बैठो यार, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? अरे अपनी बेटी घर आ रही है। मैं जानती हूँ कि हमारी बेटी घर आ रही है, और शादी के बाद वो फर्स्ट टाइम हमारे घर अपने ससुराल वालों के साथ आ रही है। अकी जीजा क्या, आप देखना उनकी पूरी फैमिली आपकी बड़ी फैन हो जाएगी। आफ्टर ऑल आपकी खातिरदारी है, फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्लास, दोनों को तो पता नहीं ये सब कैसे होता। और यहाँ पे आंचल ने फिर से काकी का विकेट गिरने से बचा लिया। और क्या टेंशन क्यों ना का? ओके, ओ माय गॉड, मेरी बड़ी चल गए, काकी मैं अभी आई। अरे संभालना। सुनो, ऐसा लगता है ना बस कल ही की बात है, एक छोटी सी नन्ही सी आंचल। देखो ना कितनी बड़ी हो गई है। आपके भाऊ भाभी के एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा कि आंचल एकदम चुप सी हो गई है। अच्छा किया जो आप उसे यहाँ ले आए। और तुमने भी तो उसे नई जिंदगी दी, माँ का प्यार दिया। वैसे भी ये घर उसी का तो है, मैं कैसे उसे प्यार ना देती, वो इस घर की शान है। और हर मुसीबत का वो क्या कहते हैं उसे, वो सॉल्यूशन। दीदी आप लोग कब तक पहुंच रहे हो? आचल सुन, वो क्या हुआ ना। दीदी आप मेरी बात सुनो, मैंने आपके फेवरेट वड़े बनाए हैं और वो भी बहुत टेस्टी। चुप कर, मेरी बात सुन पहले। क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक ही है। तुम मम्मा पापा को बोल देना कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अब ऐसे लास्ट मोमेंट पे ये? आचल प्लीज इतने सवाल मत पूछ। मैं काका काकी से क्या कहूंगी? एक काम करो, आप ही उन्हें बोल दो। आचल मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी। तू बस संभाल लेना, उनको बोल दे कि रवि ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, ठीक है? अरे पर दीदी लगता है दिखती आ गई। पागल लड़की, किसे डरा दिया? किसी ने मुझे अटैक आ जाएगा तेरे वजह से। अरे अत्या डरो मत, मैं आपकी सोनाक्षी हूँ, आपके डरावने भाई नहीं जो आपके दिल पे अटैक करूं। छी पागल, भाव का मजाक उड़ाती है। आत्या पापा नहीं आ रहे। निका भाव चाहे कितने भी नाराज हो पर हमेशा उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, भांजी की शादी में नहीं, पर उसके पग फेरे के लिए इतने सारे गिफ्ट और मिठाई भेज दी। कोई बात नहीं रजनी, मैं भी तो इस शादी से सहमत नहीं था। हाँ पर भाव तो रजनी, उनका पूरा हक है गुस्सा होने का, इस घर के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, कितने एहसान है उनके इस घर पर। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन वो दीप्ति को अपने ससुराल में खुश देखेंगे ना, उनका सारा गुस्सा नाराजगी सब कुछ भूल जाएंगे। हा? बिल्कुल, और मेरे पास तो पूरा सबूत है। दीप्ति दीदी अपने नए घर में इतनी खुश है कि उन्हें यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिल रहा। दीप्ति दीदी का फोन आया था, वो आज घर नहीं आ पाएंगी। पर उसने तो मुझसे कहा था कि वो चाची वो रवि जी जो है ना, उन्होंने दीदी के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगी। पर मैं कब से उसका वेट कर रही थी, उसे जरा फोन लगा ना। काकी आपको पता है ना वो कितनी बातें करती है, और वैसे भी मुझे पेंटिंग क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। चल सोनाक्षी। सर जी आपने सही कहा था, मिस्टर साहब ने मीटिंग के लिए हाँ बोल दिया, सिर्फ दो दिन में अकल ठिकाने आ गई उनकी। चाहे कितनी भी देर हो जाए आशुतोष, होता वही है जो हम चाहते हैं। और हाँ दीदी के यहाँ स्वीट्स भिजवा दिए? जी सर जी भिजवा दी, सोनाक्षी बेबी के साथ में, और आंचल जी और सोनाक्षी बेबी दोनों क्लास में साथ चली गई है।
बस मैं उनको पिक करने जा रहा हूँ। उन्हें पिक करने हम जाएंगे। अरे सर जी आप क्यों जा रहे हैं, मैं चला जाता हूँ। दीप्ति दी ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। ओह माय गॉड, मैम मैंने पूरी पेंटिंग खराब कर दी। रिलैक्स आंचल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट एक रियल फील दिया है तुमने अपनी परफेक्ट पेंटिंग। पर मैम क्या मैं परफेक्ट बना के कुछ गलत कर रही हूँ? वेल, गलत तो नहीं कहेंगे पर इस वास को ही ले लो, देख सकती हो उसमें कुछ क्रैक्स हैं और ये फ्लावर्स भी कुछ क्रम्पल हो चुके हैं, पर तुम्हारी ये पेंटिंग इट्स 10 times मोर प्रिटियर, ब्राइटर एंड सो मच परफेक्ट कि रियल नहीं लगती। आंचल यू नीड टू पुट सोल इन योर वर्क। ये परफेक्ट पिक्चर्स तो डिजिटली भी प्रिंट किए जा सकते हैं, तुम्हारी पेंटिंग में तुम्हारी सोल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज बट ट्रस्ट मी आई कैन सी दैट पोटेंशियल इन यू। जानती हो एक आर्ट गैलरी के ओनर हैं जो फ्रेश टैलेंट्स को चांस देते हैं और मैंने उनसे तुम्हारे लिए बात करके रखी। सो ऑलराइट? यस मैम। ओ दीदी क्या पेंटिंग बनाई है, असली फूलों से भी ज्यादा सुंदर है। सोनाक्षी तुम्हारी पेंटिंग भी देख ले। थोड़ा रॉ है, रेडी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ऑलराइट यू गाइस कैरी ऑन। दीदी आप मेरी पेंटिंग को परफेक्ट बना दो ना प्लीज। अरे परफेक्ट ही तो नहीं बनाना है, यही सीख रही थी नीलिमा मैम से। ओ रियली दीदी, फिर तो मुझे खराब करना अच्छे से आता है। एक सेकेंड ना। सॉरी ना। ठीक है कर लिया माफ। थैंक यू दीदी, अब मैं सब पूछने के लिए कुछ लाती हूँ। ओके मामा जी, I'm sorry, मैंने। दीदी ये लो। ओ, I'm so sorry, मुझे टॉवल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। पापा? पापा आप यहाँ कैसे? आशुतोष भैया क्यों नहीं आए? अरे वो जरूरी काम से बाहर गया था इसलिए मैं चला आया। तो चले। हाँ क्यों नहीं। बाय दीदी। बाय मामा जी। बाय। दीदी क्यों नहीं कॉल कर रही? दीदी आचल सुन। दीदी क्या बात है ये? मैसेजेस का रिप्लाई नहीं, एक कॉल नहीं, आप ठीक तो है ना? तू बाहर आ और चुपचाप आना, ठीक है? किसी को मत बोलना, मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी। अब नीचे हो तो ऊपर आओ ना दीदी। नहीं प्लीज तू जल्दी नीचे आ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज। अरे दीदी आप मेरी बात तो सुनिए दीदी। दीदी दीदी आप ठीक तो है? और ऐसे छुप के मिलने का क्या मतलब? सॉरी आंचल, लेकिन मैं आई बाबा को नहीं मिलना चाहती थी। आई बाबा को नहीं मिलना चाहती थी? दीदी मुझे डिटेल में बताओ हुआ क्या है। आंचल पता नहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा, पहले मैंने ये लव मैरिज करके आई बाबा को डिसअपॉइंट कर दिया और अब क्या? आंचल देख प्लीज मुझे जज मत करना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, प्लीज प्लीज कोशिश करके मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। दीदी आपको क्या करना पड़ेगा,
मुझे ठीक से बताइए तो सही। एक्चुअली आंचल देख, रवि की फैमिली अब बड़ी हो रही है और यहाँ वहाँ जाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जो 6 लाख की है। उन लोगों के पास सिर्फ 3 लाख हैं, बाकी के 3 लाख उन्होंने उन्होंने मुझे लाने को कहा है। दीदी दीदी दहेज है, आप दहेज कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? दी आज 3 लाख मांगे हैं, कल और ज्यादा मांगेंगे, पूरी जिंदगी मांगती रहेंगे, फिर आप क्या करोगे? आंचल देख, तू अभी छोटी है, तू ये दुनियादारी नहीं समझती है। देख, हिंदुस्तानी लव मैरिज में पति के साथ उसकी फैमिली को भी संभालना पड़ता है जी, कैसे भी करके ये पैसों का इंतजाम करना होगा आंचल। पर दीदी, चाचा चाची के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ नहीं है, और ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए, प्लीज मुझे प्रॉमिस कर। आई बाबा को पता भी चला तो वो टूट जाएंगे, वैसे भी इस शादी के लिए हाँ कहके बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मामा जी के खिलाफ जाके। हाँ दीदी मैं समझती हूँ, पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ये तो समझ नहीं आ रहा है, वैसे मामा जी के पास इतने पैसे हैं तो, लेकिन अब वो मेरी मदद तो बिल्कुल नहीं करेंगे। करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे मुझे कैसे भी करके अपनी शादी बचानी होगी आंचल। मैं भी कुछ सोचती हूँ। अरे काकी मुझे तो ये मैं लेती हूँ। अरे मिठाई खाई थी नहीं? कौन सी मिठाई? भाऊ ने जो मिठाई भेजी। काकी मामा शायद अपना गुस्सा भूल गए होंगे, मुझे लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। मेरा भाऊ से अच्छे से जानती हूँ, किसी के बोलने से या मनाने से वो मानने वाला नहीं, जब उसे खुद को ठीक लगेगा ना तो वो हमें माफ कर देगा, और वैसे भी हो सकता है बात करने से बात और बिगड़ जाए। खाना खा लो बेटा। नहीं मुझे आई चाहिए। आओ मेरे पास। हाँ ऐसे मिलेंगे ना हम लोग बाद में, थोड़ा सा खाना खाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा मेरे कहने पे। गुड गर्ल। काका काकी ने कभी मुझे आई बाबा की कमी नहीं महसूस होने दी। मुझे दीदी के लिए कुछ करना होगा, मुझे खुद ही मामा जी से बात करनी होगी। दीदी के लिए 3 लाख सिर्फ वो ही दे सकते हैं। अरे वाह सोना, आज तो तूने बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई है। सच में दी? ऑफ कोर्स। सोना क्या आज तुझे मामा जी पिकअप करने आने वाले हैं? हाँ चलिए, क्या हो रहा है? The canvas is still empty. मैम आई एम सॉरी। हाँ चल मुझे सॉरी बोलने से क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी एक बार हाथ से चली गई ना तो कोई अपॉलॉजीज काम नहीं आएगी। मुझसे इतना लाइटली नहीं ले सकती। देखो मुझे आर्ट गैलरी पैटर्न्स को एटलीस्ट तुम्हारी एक अच्छी पेंटिंग दिखानी ही होगी। मैम आई एम सो सॉरी, मैं वो आई एम सॉरी मैम। पापा मैं अभी सब कुछ पैक कर आती हूँ। हेलो मामा जी। हेलो मामा जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी है। अकेले में? चलो चलो। आंचल तुम भी हमारे साथ आओ ना, सोनाक्षी को घर छोड़कर मुझे उसी साइड मीटिंग के लिए जाना है, तो रास्ते में तुम्हें भी घर छोड़ दूंगा, जॉइन अस। आप ना आगे आगे बैठ जाओ वरना लगेगा कि पापा ड्राइवर है। क्या बात है? मैं जानती हूँ कि आप हमसे बहुत नाराज हैं और होना भी चाहिए, लेकिन मैं हमारे काका काकी को टूटता हुआ नहीं देख सकती। आराम से बैठ के बताओ क्या बात है। मामा जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी,
दीप्ति दी को उनके ससुराल वालों ने 3 लाख की डिमांड की है, और अगर काका काकी को पता चल गया तो वो टूट जाएंगे। वैसे भी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है, आपकी भी मर्जी के खिलाफ हुई है। मामा जी, मैं जानती हूँ कि आप दीप्ति दी से बहुत नाराज हैं, लेकिन अगर दीप्ति दी के लिए नहीं तो फिर प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। आप तो जानते हैं कि काका काकी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मामा जी, कुछ भी। आप अगर मेरी एक बार हेल्प कर देंगे तो मैं आपको सारे पैसे धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। पैसों का इंतजाम आज रात तक हो जाएगा सिर्फ तुम्हारे लिए। मामा जी, वो अगर काका काकी को पता चल गया तो? काका काकी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये सीक्रेट रहेगा, हमारा सीक्रेट, ये हमारा सीक्रेटनेस है, ठीक है? किसी को नहीं कहना, समझी? हाँ। सीट बेल्ट लगा लो। आचल जी का कुछ पेंटिंग का सामान रह गया था क्लास में, सोनाक्षी बेबी ने भेजा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं उसे बुला कर ला। जी बिल्कुल। हेलो, आचल घर पे नहीं, शायद बाजार गई हुई है। ये बैग मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं उनको ही दूंगा। मुझे दे दो ना। अरे काकी, मैं उठाती। आराम से। कितना भारी है, पता नहीं कैसे भूल गई। काकी, आज मुझे कुछ थीम्स में काम करना था, इसलिए सामान बहुत जरूरी था। मैं जाके मेरा काम शुरू कर दूं? हाँ जाओ तुम अंदर जाओ। काकी, आज मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? ये क्या, इसमें कौन सी नई बात है? सोना का तो मैं हर रोज सुबह सुबह देखती हूँ। हाँ, लेकिन सोना हर सुबह सोने पे सुहागा तो नहीं लाती ना। मेरी याद नहीं है तुझे एक बार भी? बहुत याद आई आई, पर तूने सिखाया था ना कि शादी के बाद सास ससुर की जन की सेवा करो, ससुराल को अपना बना लो, वही तो कर रही थी। अरे सुनो सुनो, आज दीप्ति बिटिया आई है, इस खुशी में मैं सबके लिए गर्मा गर्म कचौरिया लेके आया। हाँ, अब भी आया। और मेरे लिए पूरन पोली। यस बेटा, पक्का पक्का। इतनी दुखी हो गई है, बहुत काम किया करती है क्या वहाँ पर? वो सब तो ठीक है, वैसे दीदी के चेहरे पे ये ग्लो कैसा? बोले दीदी। हट पागल। आई, तेरे हाथ की चाय को बहुत मिस किया, चाय पीने में। मुझे नहीं किया ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए ना अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। अच्छा थैंक यू आचल, आपसे कितनी ज्यादा बातें करनी है, चलो ऊपर चल के बात करते हैं। आंचल, पता नहीं तेरा कैसे डांस करूं, तूने इतने कम टाइम में पैसे मैनेज कर दिए, पर तूने मामा जी को पैसों के लिए मनाया कैसे? दीदी,
मैं आपके लिए और काका काकी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे मेरी जिंदगी दी है, सब कुछ दिया है मुझे। थैंक यू। आज तो मैम को मैं खुश करके ही रहूंगी। मामा जी आप, वो सोनाक्षी तो जस्ट अभी निकल गई, उसे शायद पता नहीं था आप आ रहे थे। मैं सोनाक्षी से मिलने नहीं, तुमसे मिलने आया हूं। दीप्ति का मैटर सॉल्व हुआ? जी मामा जी, आपने इतनी बड़ी मदद कर ली, समझ में नहीं आ रहा आपको थैंक यू कैसे बोलूं। अच्छा ऐसे तो प्रिटेंड ना करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मामा जी मैं कुछ समझ ही नहीं, आपका मतलब क्या है? मतलब ये कि तुमने मुझे कहा था कि इन पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। जी मामा जी, मैं वो धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो तो बहुत है मेरे पास। मुझे वो चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है, और वो सिर्फ तुम दे सकती हो आंचल। कम ऑन आंचल, तुम्हें पता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं, और आज से नहीं, जब तुम वो आप थे। आंचल मुझे तुम्हारी फिक्र है, आई केयर फॉर यू, इसलिए जब तुम मेरे पास पैसों के लिए आई तो मैंने अपने ईगो को साइड कर दिया और तुम्हारी मदद की। अब देखो तुम्हारी बारी है मुझे रिटर्न में देने की। आंचल ये एक बहुत ही सिंपल मैटर है, इसे कॉम्प्लिकेट मत करो। देखो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे चाचा चाची को दीप्ति के बारे में कुछ पता चले, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो जो हमारा सीक्रेट है ना, वो सीक्रेट नहीं रह जाएगा। मामा जी आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मामा नहीं हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का टाइम है। मुझे वो चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है, और वो सिर्फ तुम दे सकती हो आंचल। बेटा पता है तुझे किसका फोन आया था? भाव का। क्या मामा जी का फोन आया था? क्यों फोन किया था उन्होंने? कुछ कह रहे थे क्या? बताइए ना काकी, क्यों फोन किया था मामा जी ने? ये कैसा सवाल है? मुझे तो लगा कि ये खबर सुन के तुम मुझे झटके से गले से लगा लोगी। तुम ही कहती थी ना कि मैं उन्हें फोन करूं, उससे बात करूं, और जब उसने माफ कर दिया तो तू पूछी क्यों? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, मैं जानना चाहती थी मामा जी ने क्या कहा, और कुछ नहीं। अरे क्या मुझे दिखा? काकी जी छोटी सी चोट है। रुक। अरे काकी बैठ, ध्यान नहीं रखती है, हमेशा अपनी सारी बात छुपाती है हमसे, पता नहीं क्यों। सिर्फ इसीलिए ना कि हमें टेंशन ना। अगर तू अपनी बात हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? बाजू वाले को? हाँ
कल जाना डॉक्टर के पास और टिटेनस का इंजेक्शन ले लेना, समझी? चल अब तो आराम कर, ठीक है? टाइम खत्म हो रहा है, कहीं हमारे कहीं हमारा सीक्रेट सबको पता ना चल जाए, हमारा सीक्रेट। आई एम सॉरी। हाँ चल, तुम ठीक तो हो ना? इट्स ओके, इट्स ओके। सब गंदा हो गया मैम। हाँ चल, रिलैक्स, क्लीन हो गया है वो, इट्स ऑल राइट। हाँ, लुक एट योर पेंटिंग्स, दी स्ट्रोक्स, दीज आर्ट वर्क्स, दे आर ऑल सो ब्यूटिफुल। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोलना चाहते हैं। सी, दिस इज व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दिस इज इट। This is raw, but surely has a soul. Achal? Hey, roti meri parchhai. देखो मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा अब मैं समझा, मीटिंग के लिए लेट हो रही हो। क्या कहा तुमने? सोच लो, सबके सामने कहूंगा तो। वैसे पूछने पिता समान मामा जी, जो आपको बैग भर भर के पैसे देते हैं, क्यों? ऐसा बदले में आप क्या करती? क्या हुआ, तुम्हें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा? कोई बात नहीं, अब तो पता चल ही गया है, तो मुझसे क्या शर्माना? अब जब तुम इस धंधे में आ ही गई हो तो थोड़ा प्रॉफिट कमा लो। मेरे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स की लिस्ट है, तुम काम करना और मैं तुम्हारा एजेंट बन जाऊं, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, क्या कहती हो? अरे आचल। हाँ बेटा, देख कौन आया है, देख तो सही। चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने भी जब भाऊ को दरवाजे पे देखा ना, तो मैं भी बहुत हैरान हो गई थी। कैसी बातें करती हो दीदी, यू आर ए पार्ट ऑफ फैमिली। और वैसे भी कितने दिनों तक आप लोगों से नाराज रह सकता हूं मैं? अच्छा बैठ बेटा, बैठ ना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। भाऊ, पता नहीं आजकल आंचल बहुत बीमार रहने लगी है, मुझे तो बहुत चिंता होती है उसकी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्या खाओगे? दीदी क्यों नहीं हम लोग पुराने दिनों को फिर से याद करते हैं, बाहर गार्डन में खाना खाते हैं। हाँ हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। नेवर माइंड, मुझे भी ऑफिस में बहुत सारे कॉल्स करने हैं। ठीक है। कम ऑन आंचल, तुम्हें पता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं।
भैया प्लीज प्लीज यहाँ नहीं, प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम परेशान थी, अपने आप को रोक नहीं सका, तुम्हारा हालचाल पूछने चला है, अब तो मुस्कुरा दो। वेट अ मिनट, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, मोतियों की हार, तुम्हारी इतना खूबसूरत इसे पहन के तुम और खूबसूरत रखोगी। देखो तुम पे कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास बड़े बड़े क्लाइंट्स की लिस्ट है, तुम काम करना और मैं तुम्हारा एजेंट बन जाऊंगा, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। तोड़ दिया आपने मुझे, डिस्ट्रॉय कर दिया आपने मुझे। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, तुमने जो कुछ भी किया अपने पूरे होशो हवास में किया, और कोई बच्ची नहीं हो तुम, समझी? अच्छा, और जब बच्ची थी तब तब आपने मेरी परमिशन ली थी? बताइए, आपने बचपन में मेरे साथ जबरदस्ती की और आज भी जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने मेरे साथ रेप किया है, और एक बार नहीं बार बार। रेप का मतलब भी जानती हो क्या होता है? मानती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं कोर्ट में रेप बोल के साबित नहीं कर सकती, पर जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट रेजिस्ट यू फिजिकली इसका मतलब ये नहीं कि इस सब में मेरी मर्जी शामिल थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि रेप किसे कहते हैं। अत्या, मुझे ना आंचल दी से बात करनी थी, वो किधर है? देखना आज फिर उसका सिर दुख रहा है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। प्लीज जो आप अभी कर रहे हैं उसे मैं कोर्ट में रेप बोल के साबित कर सकती हूँ। तमीज से रहती तो तुम्हें रानियों की जिंदगी देता। अपनी रखेल बनाकर आपके साथ में एक रानी नहीं एक प्रोस्टिट्यूट बन गई। सोनाक्षी, सुनो मेरी बात। डरिए मुझे पापा। देखो जो तुमने ऊपर देखा वो सच नहीं है। बेटा वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी, मैंने उसे पुश किया, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, डिस्परेट है मेरे लिए, पागल हो रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, लेकिन वो मेरी सुनती नहीं है। ये झूठ है। मैंने आपके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की, मैं झूठ बोल रहा हूं? तो ये बताओ कौन आया था मेरे पास, बताओ। बाकी के 3 लाख उन्होंने मुझे लाने को कहा है। पर दीदी, चाचा चाची के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ नहीं है, और ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए, प्लीज मुझे प्रॉमिस करो। देखा, चुप है, कुछ नहीं बोल रही है, झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाह रही है, मुझे ब्लैकमेल करना चाह रही है। उन्होंने जो कुछ भी कहा सच है आचल? बोलते क्यों नहीं? देखो इसे कितनी मुश्किलों से और लाड़ प्यार से हमने बड़ा किया, और ये भाव के साथ गलत हरकत। काकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरी बात का विश्वास तो करो। क्या कमी रह गई थी हमारे लाड़ प्यार, हमारे परवरिश में, जो तूने इतनी घिनौनी हरकत की। शर्म आ रही मुझे तुझे अपनी बेटी मानने में। ठीक, मेरी काकी
मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके परिवार की बदनामी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कक, और मैं मजबूर हो गई थी कक। बस, अरे शर्म आती है तुम्हें बेटी मानते हुए। बस, क्या आप सब पागल हो गए? सच क्या है? दिख नहीं रहा या देखना नहीं चाहते? सोनाक्षी, तुम चलो हमारे साथ घर। रुके बाबा, दूर रहिए मुझसे, ये गंदे हाथ की गंदी सोच। आंचल दी ने ये घर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए और आज अचानक वो इतनी गंदी हो गई कि आपने उन्हें थप्पड़ मार दिया? क्या आपने एक भी बार सोचा उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ, आप कुछ नहीं बोली तो मैं बोलूंगी। उस दिन मैंने आंचल दीदी और दीप्ति दीदी की बातें सुन ली। आंचल, पता नहीं तेरा कैसे थैंक्स करूं, पर तूने मामा जी को पैसों के लिए मनाया कैसे? मैं आपके लिए और काका काकी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे पहले की चाची है, नॉर्मल हो जाते हैं। दीदी के ससुराल वाले अच्छे नहीं है, उन्हें दहेज चाहिए। और आंचल दीदी ने मेरे सो कॉल्ड अच्छे पापा से हेल्प मांगा। सोनाक्षी चुप हो जाओ। आप चुप करिए, एकदम चुप। मैंने सब देखा है ऊपर अपनी आंखों से। आई वाज सो प्राउड पापा, मुझे लगता था आप सबकी हेल्प करते। आई वाज प्राउड हैप्पी, लेकिन आपने आंचल दी की इसलिए हेल्प की ताकि आप इनके साथ ये सब कर सको ना, इसलिए ना? बोलिए ना पापा। आंचल दी ने इस घर के लिए अपनी बेट लगा दी, दीप्ति दी की शादी बचा ली और आप दोनों को हर्ट भी नहीं किया, लेकिन अपने आप को मार दिया। मैंने देखा है उनकी पेंटिंग, बहुत डरावने। बस अब आप नहीं रहोगे, आपने जो कुछ किया वो कुछ गलत नहीं था।